हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटा एसिड के बारे में। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटा एसिड्स होते क्या हैं, व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटा एसिड्स, और इसका एक जो एग्जाम्पल है वो हम आज कवर करेंगे। तो चलिए बताते हैं एंटा एसिड के डेफिनेशन के साथ। एज आई प्रीवियसली डिस्कस इन माई लास्ट वीडियो के मैंने सभी डेफिनेशन का जो डेफिनेशन वाला वीडियो जो है वो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसमें सभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स या मिसलेनियस एजेंट्स जो हैं उनकी सभी के डेफिनेशन मैंने वहाँ पे मेंशन की हुई है, मैंने बताया है उस वीडियो में। लेकिन फिर भी एंटा एसिड का डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। एंटा एसिड का मतलब है एसिड के अगेंस्ट काम करने वाला। दीज आर द काइंड ऑफ अल्कलाइन सब्सटेंस जो रिड्यूस करते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड अगर हमारी बॉडी में फॉर्म हो रहा है, अगर फॉर्मेशन हो रही है एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड की हमारे बॉडी में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्प करते हैं। दीज आर नोन एज एंटा एसिड्स। नाउ मूविंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड्स। ये एंटा एसिड का क्लासिफिकेशन, वी कैन क्लासिफाई एंटा एसिड्स इन टू सिस्टमिक एब्जॉर्बेबल एंटा एसिड एंड नॉन सिस्टमिक नॉन एब्जॉर्बेबल एंटा एसिड्स। फर्दर नॉन सिस्टमिक यानी कि नॉन एब्जॉर्बेबल एंटा एसिड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटा एसिड, नंबर सेकंड है कैल्शियम कंटेनिंग एंटा एसिड्स, नंबर थर्ड है मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटा एसिड्स, एंड नंबर फोर इज कॉम्बिनेशन एंटा एसिड प्रिपरेशन। तो वी कैन क्लासीफाई द सेकेंड वन नॉन सिस्टमेटिक वन इन फोर काइंड ऑफ एंटा एसिड या फोर सब पार्ट्स। नाउ सिस्टमिक या एब्जॉर्बेबल एंटा एसिड का डेफिनेशन क्या होता है। दीज आर सॉलेबल रेडली एब्जॉर्बेबल एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइटिक अल्ट्रेशन एंड एल्कोलॉइड्स, एग्जाम्पल सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये क्या होते हैं, सॉलेबल होते हैं, रेडली एब्जॉर्बेबल होते हैं और कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करने में सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइटिक अल्ट्रेशन एंड एल्कोलॉइसिस। ये एबल होते हैं प्रोड्यूस करने में सिस्टमिक एल्कोलाइटिक अल्ट्रेशन एंड एल्कोलॉसिस। एग्जाम्पल है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकेंड है नॉन सिस्टमेटिक वन, इसमें क्या है, दीज आर एब्जॉर्ब टू ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट एंड दस डू नॉट एक्सर्ट एन अप्रोसिएबल सिस्टमेटिक इफेक्ट। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल। तो इसमें क्या है, दीज आर नॉट एब्जॉर्ब टू ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, ये सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाते या नहीं होते हैं, और इसलिए ये एक्सर्ट नहीं करते हैं एक एप्रिसिएबल सिस्टमिक इफेक्ट, जैसे कि फर्स्ट वाला हमारा कर रहा है। इतना एप्रिसिएबल सिस्टमेटिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं बिकॉज ये नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, एक एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। ओके, दिस ग्रुप इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। इस ग्रुप को फर्दर हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट है एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटा एसिड्स, इसमें एग्जाम्पल्स मेंशन है, इनका डेफिनेशन भी मैं आपको बता दूंगी इफ यू वॉन्ट। बेसिकली एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटा एसिड्स, इसमें एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट डाई हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम, सोडियम कार्बोनेट, बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट जेल। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटा एसिड्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, कैल्शियम कंटेनिंग एंटा एसिड। कैल्शियम कंटेनिंग एंटा एसिड में कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। नंबर थर्ड है मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटा एसिड्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉम्बिनेशन एंटा एसिड प्रिपरेशन में आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटा एसिड मिक्सचर्स। सो दीज ऑल आर द डेफिनेशन विच इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड्स और उनके सब पार्ट जो हैं वो क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या है। नाउ मूविंग टू द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटा एसिड। तो नंबर फर्स्ट है, हम किसी की भी आइडियल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, किसी भी कैटेगरी की आइडियल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो नंबर फर्स्ट जो प्राइमरी नेसेसिटी होती है कि जिस पर्टिकुलर थेरापूटिक इफेक्ट के लिए हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो पर्टिकुलर थेरापूटिक इफेक्ट को वो फुलफिल करें। तो एंटा एसिड अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं टू न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी जो एक्सेस अमाउंट में हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में फॉर्म आउट हो रही है, तो इट इज़ नेसेसरी कि वो एंटा एसिड उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रॉपरली वर्क करे, वो प्रॉपरली वो थेरापूटिक इफेक्ट हमको शो करे। अदर देन दैट, फाइन पार्टिकल साइज होना चाहिए एंटा एसिड्स का, जो पार्टिकल साइज है वो फाइन होना चाहिए, शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करेगा, करना चाहिए इसको पेशेंट को। थर्ड है शुड इफेक्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम, इसका थेरापूटिक इफेक्ट का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, एक लंबे समय तक के लिए रिलीफ दे हमें एसिडिटी से, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉट कॉजेज एनी साइड इफेक्ट, नॉन टॉक्सिक या कोई भी साइड इफेक्ट शो ना करे पेशेंट को, इस टाइप का एंटा एसिड होना चाहिए, कोई भी प्रिपरेशन है।
स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उससे भी अगर वो थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर हम कम रखें ज़्यादा रखते हैं तो उसमें वो स्टेबल हो, और इतना ज़्यादा इनकम्पेटिबिलिटी ना हो उसकी सब्सटेंसेस के साथ। नेक्स्ट है, द एंटासिड शुड प्रोबेबली इनिबिट पेप्सिन प्रोलाइटिक एंजाइम। तो एंटासिड जो है प्रोबेबली इनिबिट करे पेप्सिन को, दैट इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट एंटासिड डेफिनेशन, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसका वीडियो का लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और बाकी उनका क्लासिफिकेशन, आइडल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड। नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल, जैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सपेक्टोरेंट के दो एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए थे, तो यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर फर्स्ट है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, एंड द मॉलिकुलर वेट इज 84.01। इट कंटेन्स नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन द इक्विवेलेंट ऑफ 100.5% ऑफ NaHCO3 कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस टू द ड्राइड सब्सटेंसेस। ये कंटेन करता है नॉट लेस देन 99% और नॉट मोर देन, या नॉट मोर देन ऑफ द इक्विवेलेंट किसके, 100.5% ऑफ NaHCO3। कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट किया जाता है विद द रेफरेंस ऑफ ड्राई सब्सटेंसेस। के ड्राई सब्सटेंसेस के रेफरेंस लेकर हम इसको कैलकुलेट आउट करते हैं। सो इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका प्रिपरेशन एंड इसके यूजेस, डोजेस बाय सोडियम बाइकार्बोनेट की, ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। सो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो ऑन ए स्मॉल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड टू गेट द प्रोडक्ट। तो स्मॉल स्केल पर या लेबोरेटरी स्केल पर अगर हम बात करें कैसे हम प्रोड्यूस आउट करते हैं, कैसे हम प्रिपेयर आउट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो ये प्रिपेयर होता है पासिंग CO2 गैस, CO2 गैस को पास करा के किसके सॉल्यूशन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। और सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए टू गेट द प्रोडक्ट, टू गेट द सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हेयर द रिएक्शन टू NaOH प्लस CO2 Na2CO3 प्लस H2O, एंड द सेकेंड वन इज Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 विल बी इक्वल टू 2NaHCO3। तो ये तो बात होगी लेबोरेटरी स्केल पे या स्मॉल स्केल पे। नाउ विल टॉक अबाउट ऑन अ लार्ज स्केल हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इंडस्ट्री स्केल पे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ऑन इंडस्ट्री स्केल इट इज ऑब्टेन बाय द सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस से ये ऑप्टेन आउट होता है। एंड व्हाट इज द सॉल्वे प्रोसेस हम पढ़ेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन होता है NaCl का। ब्राइन इसलिए यूज किया जा रहा है बिकॉज जनरली ये जो सॉल्ट लेक्स होती हैं, ओशंस होते हैं या अंडरग्राउंड वाटर होता है उससे ऑप्टेन आउट किया जाता है, वहां पे मिलता है, इसलिए इसको NaCl को हम नाम दे रहे हैं ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन सॉल्यूशन NaCl इज सैचुरेटेड विद अमोनिया टू रिमूव ट्रेसिस ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक Mg एंड Fe। तो NaCl ब्राइन सॉल्यूशन जो है सेचूरेट किया जाता है अमोनिया के साथ ताकि रिमूव आउट कर पाए ट्रेसिस, ट्रेसिस जो एज ए इम्प्योरिटी वहां पर एक्ट कर रहे हैं, ट्रेसिस ऑफ किसके, Mg एंड आयरन, मैग्नीशियम एंड आयरन के ट्रेसिस को वहां से रिमूव आउट कर पाए जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें से। द सॉल्यूशन इज नाउ फिल्टर्ड एंड पास थ्रू द कार्बोनेटिंग टावर। सॉल्यूशन जो है इसको हम फिल्टर कर लेंगे, उसको पास थ्रू करवाएंगे कार्बोनेटिंग टावर से। आगे है, इन दिस इट इज अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एक्यूरेट विद ए करंट ऑफ CO2 एंड द टावर इज कूल टू एनहांस प्रेसिपिटेशन सोडियम बाइकार्ब। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आफ्टर पासिंग इट फ्रॉम दैट टावर। तो इसमें क्या करेंगे कार्बोनेट टावर से पास कराने के बाद, इन दिस इसमें क्या होगा, अगर इन दिस इट इज अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद, इसमें क्या होगा कार्बोनेट टावर में कि इसमें अलाउ किया जाएगा कि जो हमारा जिसको हम पास करा रहे हैं वो कॉन्टेक्ट में आए विद ए करंट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द टावर इज कूल टू एनहांस द प्रेसिपिटेशन। और टावर जो है वो कूल हो जाएगा, कूल किया जाएगा उसको, सो दैट प्रेसिपिटेशन एनहांस हो पाए। अब आगे इसमें ब्रैकेट में लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर बिलो 50 डिग्री। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है वाटर में अगर वाटर 50 डिग्री, बिलो 50 डिग्री है। तो द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड आउट एंड ड्राइड। प्रेसिपिटेट को इस टाइम पे क्या कर लेंगे हम, फिल्टर आउट कर लेंगे, उसको ड्राई कर लेंगे। तो इन दिस कंडीशन व्हाइल वी आर पासिंग इट फ्रॉम कार्बोनेटिंग टावर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट लेस सॉल्युबल हो जाता है अगर वाटर 50 डिग्री से बिलो है टेम्परेचर। ओके,
दो रिएक्शंस जो हैं जो उसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी? एच टू ओ प्लस सी ओ टू विल बी इक्वल टू एच टू सी ओ थ्री, एन एच थ्री प्लस एच टू सी ओ थ्री विल बी इक्वल टू एन एच फोर एच सी ओ थ्री, एन ए सी एल प्लस एन एच फोर एच सी ओ थ्री विल बी इक्वल टू एन ए एच सी ओ थ्री प्लस एन एच फोर सी एल. तो दीज बोथ आर द प्रिपरेशंस ऑन द स्मॉल स्केल एंड ऑन द लार्ज स्केल. नाउ विल मूविंग टू प्रॉपर्टीज. इट अकर्स इन वाइट क्रिस्टलाइन और अमोर्फस पाउडर हैविंग स्लैंटे. ये ऑप्टेन आउट होता है या तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में या अमोर्फस फॉर्म में, पाउडर के अमोर्फस फॉर्म में ये ऑप्टेन आउट होता है. बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर क्रिस्टल्स फॉर्म आउट होते हैं, अमोर्फस फॉर्म जो होती है इनको स्पेसिफिक शेप नहीं होती है. तो उसमें ऑप्टेन आउट होता है. सलाइन टेस्ट होता है इसका. इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर. फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में लेकिन पार्शियली सॉल्युबल होता है एल्कोहल में. नेक्स्ट है इट्स सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर. इसका सॉल्यूशन जो है एल्कलाइन होता है नेचर. ऑब्वियसली बात है ये एंटा एसिड की एक कैटेगरी है, एंटा एसिड का एक एग्जाम्पल है. और एंटा एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को उसका एल्कलाइन होना नेचर में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही है या नहीं है? तो इट गिव्स द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड कार्बोनेट. सो ये क्या देगा? सोडियम और कार्बोनेट की रिएक्शन शो करेगा. इट्स 1% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्व वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हैज ए पीएच नॉट मोर देन 8.6. इसका 1% का वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो उसका पीएच जो है 8.6 से ज्यादा नहीं होगा. सो बाय दिस वी कैन आइडेंटिफाई कि जो प्रिपरेशन जो हमने रिएक्शंस परफॉर्म किए हैं, जो रिएक्शंस हुई हैं या फिर जो रिएजेंट्स हमने लिए हैं, सो दैट वी कैन प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट. तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही प्रिपेयर आउट हुआ है या नहीं हुआ है. टेस्ट फॉर प्योरिटी एट द प्रीवियस वन हम टेस्ट फॉर प्योरिटी कौन कौन से लगाएंगे? इट इज टेस्ट फॉर एल्कुनिटी. एल्कुनिटी के लिए टेस्ट करेंगे इसको. AlCA एल्युमिनियम कैल्शियम इनसॉल्युबल मैटर के लिए, आर्सेनिक के लिए, आयरन के लिए, हैवी मेटल्स के लिए, क्लोराइड के लिए, सल्फेट एंड अमोनियम कंपाउंड. और फॉर दीज कंपाउंड हम इसके इसका टेस्ट फॉर प्योरिटी परफॉर्म करेंगे. यानी कि इन सब को हम फाइंड आउट करेंगे, एक तरह से चेक करेंगे कि इसमें इनकी कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है. क्लियरिटी एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन. इसका क्लियरिटी और कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इसका 5% वेट बाई वॉल्यूम का सॉल्यूशन जो है क्लियर और कलरलेस होना चाहिए, होता है. लॉस ऑन ड्राइंग इट इज ऑल्सो अ टेस्ट. इट शुड नॉट बी मोर देन 0.25%. ये मोर देन 0.25% से लॉस ऑफ ड्राइंग जो है उसकी जो डिजिट्स हैं 0.25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इट इज डिटरमाइंड ऑन 4 ग्राम बाय ड्राइंग इट ओवर सिलिका जेल फॉर 4 आवर्स. अब इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? अगर हम 4 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेकर उसको सिलिका जेल पर 4 आवर्स के लिए रख दें, 4 आवर्स के लिए अगर हम रख दें डेसिकेटर में, देन वी विल इजीली फाइंड आउट कि कितना लॉस हुआ है ड्राइंग का. यानी कि पहले 4 आवर्स के लिए सिलिका जेल के ऊपर रखने से पहले हम उसका वे करेंगे, एंड आफ्टर 4 आवर्स वी विल अगेन वेट एंड वी कैन इजीली W2 माइनस W1 फाइंड आउट करके हम लॉस ऑन ड्राइंग आराम से हम निकाल सकते हैं. स्टोरेज क्या है? इट इज स्टोर्ड इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर में हम इसको स्टोर करेंगे. नाउ मूविंग टू यूजेस इन मेडिसिन. इट इज मेनली यूज्ड फॉर इट्स एसिड न्यूट्रलाइजिंग प्रॉपर्टी. मेडिसिन में इसको हम बेसिकली यूज करते हैं इसकी एसिड न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी के कारण. एंटा एसिड की तरह ये एक्ट करता है तो हम मेडिसिन में इसको उस पर्पज के लिए यूज करते हैं. इट फाइंड यूज एज एन एंटा एसिड एंड कम्बैट विद सिस्टमेटिक एसिडोसिस. ये इसका जो यूज है वो एज अ एंटा एसिड एंड सॉरी इसका जो यूज है एज एन एंटा एसिड भी हुआ है कंपार्ट करने के लिए सिस्टमिक एसिडोसिस को. इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में भी इसका यूज है, यूज किया जाता है. इट्स एक्वा सॉल्यूशन आर यूज एज लोकल एप्लीकेंट फॉर बर्न इंसेक्ट बाइट्स. इसका जो आप कह सकते हो एक्वा सॉल्यूशन है वो लोकली एप्लीकेबल है. हम अप्लाई करते हैं बर्न्स पे, इंसेक्ट्स पे, बाइट्स पे, उसका उसमें भी इसका यूज है. डोज क्या है? 300 mg टू 2 ग्राम हम इसकी डोज पेशेंट को दे सकते हैं. सो ये कंप्लीट हो गया विद हैविंग प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, क्लियरिटी, टेस्ट फॉर प्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन, स्टोरेज, यूजेस, लॉस ऑफ ड्राइंग. वो सभी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं अबाउट सोडियम बाइकार्बोनेट. एंटा एसिड का क्लासिफिकेशन हमने कवर कर लिया है. तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर इस वीडियो में कोई आपको
पर्टिकुलर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले उस चीज को क्लियर करूंगी, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फार्मकेशन। थैंक यू।